नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। एजुकेशनल मैनेजमेंट का 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस की बात हम कर रहे थे। इसके पहले मैंने कुछ दो तीन वीडियोस में मैंने स्टार्टिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हैं। आज हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उसमें 15th क्वेश्चन आ रहा है, संस्थागत जाल का महत्व। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है उसका एक जाल होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कोई एक प्रतियोगिता है तो वो इंटर स्कूल या इंटर इंस्टीट्यूट में उसको जो है आयोजित किया जाता है। निबंध प्रतियोगिता हो गई, भाषण प्रतियोगिता हो गई, और चित्रकला की प्रतियोगिता हो गई, डांस की प्रतियोगिता हो गई, सिंगिंग की प्रतियोगिता हो गई। इन सब प्रतियोगिताओं में बहुत सारे स्कूल भाग लेते हैं और इसका फाइनल किसी एक संस्था में रखा जाता है और वहाँ पर आए हुए सभी स्कूलों में से निर्णायक भूमिका जो निर्णायक होते हैं उनमें से विजेता घोषित किया जाता है। इस तरीके से संस्थागत जाल का भी महत्व बढ़ जाता है और उनके महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसके 9 पॉइंट्स हैं, उसे देख लेते हैं कि जो संस्थागत जाल होता है उनका महत्व क्या है। पहला है कार्य को प्रभावशाली तरीके से पूर्ण करने के लिए। किसी कार्य को इफेक्टिव ढंग से करने के लिए इसका बहुत ही महत्व है। तात्कालीन एवं नवीन सूचनाओं को एकत्र किया जाना। जो जानकारी एक इंस्टीट्यूट के पास नई जानकारी आती है वो सबके साथ साझा करेंगे तो सभी अपडेट हो जाते हैं, सबको ये जानकारी मिल जाती है। तीसरा है बेहतर संप्रेषण के लिए। जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरीके से घटित हो। जो आपको नई जानकारी मिली है वो सब तक कैसे पहुँचे, सभी संस्थाओं तक समान रूप से कैसे पहुँचे। जैसे कोई एक महत्वपूर्ण किताब निकलती है तो अगर संस्थाओं का जाल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है तो उस विषय में डीप नॉलेज जो है हर संस्था को उसका लाभ मिलता है। प्रेरणा मोटिवेशन होता है। अभी ये सब जो प्रतियोगिताएं होती हैं इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल और इंटर इंस्टीट्यूशनल जो प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे क्रिकेट का ले लीजिए, फुटबॉल का ले लीजिए, वॉलीबॉल का ले लीजिए और बास्केटबॉल का ले लीजिए, जो भी आप जिस भी खेल का आयोजन करें या जिस भी कार्यक्रम का आयोजन करें उससे बच्चों में मोटिवेशन आता है और एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण होता है और प्रतियोगिता से उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। पांचवा है अच्छे संबंधों का निर्माण। एक दूसरे से जो है अंतरक्रिया होती है शिक्षकों में, छात्रों में और प्रिंसिपल्स में, मैनेजमेंट में, तो उससे अच्छे संबंधों का निर्माण होता है। वो एक संस्था को कोई परेशानी आती है तो दूसरी संस्था उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाती है। सिक्स है अच्छे और स्वस्थ वातावरण का निर्माण। इस संस्थागत जाल से अच्छे और स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। सेवेंथ बेहतर तालमेल एवं समन्वय। समन्वय मतलब कोरिलेशन और तालमेल मतलब कोऑपरेशन। तो जो संस्थागत जाल है इसकी वजह से तालमेल और कोऑपरेशन का भाव बेहतर तरीके से व्यक्त होता है। आठवां है समस्याओं का समाधान। कोई भी प्रॉब्लम होने दो, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम होने दो और कितनी ही छोटी प्रॉब्लम और कितनी ही जटिल समस्या होने दो, उस समस्याओं का समाधान इस संस्थागत जाल में कहीं ना कहीं उसका आंसर मिल ही जाता है। उसकी जो काट है, उस समस्या का जो समाधान है वो संस्था में या संस्थाओं के जाल में मिल ही जाता है, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। और गलतियों की पहचान। एक संस्था क्या गलत कर रही है कि उसका रिजल्ट खराब हो रहा है और एक संस्था क्या किस पैटर्न को अपना रही है कि उसका रिजल्ट हमेशा बेस्ट आता है। सो
संस्था का जाल की वजह से जो गलतियां हैं उसकी पहचान निकलती है। तो दोस्तों इसमें 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स को डेवलप करके इस क्वेश्चन को 10 से 12 नंबर में पूछा जा सकता है, और टिप्पणी में भी आ सकता है, संक्षिप्त टिप्पणी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 पे आते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, करिकुलम कंस्ट्रक्शन के सिद्धांत, विद्यालय विषयों और उनसे संबंधित क्रियाओं में समन्वय, पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यालय का संपूर्ण जीवन हो, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, चौथा है सामुदायिक जीवन से संबंधित, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, छठवा है पाठ्यक्रम का नियोजन सहगामी क्रियाओं के साथ हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी इसमें समावेश होना चाहिए, और पाठ्यक्रम में समन्वय का सिद्धांत होना चाहिए, पाठ्यक्रम समायोजन समस्याओं के आधार पर होना चाहिए। ये 8 पॉइंट हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत, को करिकुलर एक्टिविटीज का ऑर्गेनाइजेशन का जो सिद्धांत होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है उसे देखेंगे। 7 पॉइंट्स है इसमें। पहला है चुनाव का सिद्धांत, मित विभिन्न क्रियाएं, मितव्ययी क्रियाएं, चुनाव का सिद्धांत कि आप को करिकुलम के अलावा जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें जो है चुनाव करना चाहिए, जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसे कैटेगराइज करके उन चीज़ों को कंप्लीट किया जा सकता है करिकुलम के अलावा। दूसरा है समय एवं स्थान की व्यवस्था का सिद्धांत, कोई भी आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ करें उसका समय और स्थान निश्चित होना चाहिए, और समय ऐसा होना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम को उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, जो मेन आपका सिलेबस है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। खाली समय में संडे हो या प्रॉक्सी पीरियड हो या रिसेस हो ऐसे, या पीटी का पीरियड हो या खेल का पीरियड हो, गेम्स पीरियड हो, उस समय पर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आयोजन कर सकते हैं। तीसरा है प्रेरणा प्रदान करने का सिद्धांत, आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सिलेबस के अलावा होने के कारण बच्चे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और शिक्षक भी मोटिवेट नहीं करते हैं, तो मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी है, तब जा करके लोग इसमें भाग लेते हैं। क्रियाओं की सूची प्रदान करना, लोकतांत्रिक औसत प्रदान करना और उद्देश्यों को परिभाषित करना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे तभी भाग लेंगे जब तक आप उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी बच्चा सिलेबस का तो बर्डन उस पर रहता ही है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का बर्डन आने पे उस पर एक्स्ट्रा दबाव होता है, इसलिए बच्चे उसमें भाग नहीं लेते हैं। जब तक शिक्षक या पेरेंट्स उसे मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेगा, इसलिए उस तरीके का वातावरण तैयार करना चाहिए। नियम संहिता, सबके लिए समान नियम बनाना चाहिए। 5वां मार्गदर्शन एवं परामर्श का सिद्धांत, जो जिस करिकुलर एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं आप, जो पाठ्य सहगामी क्रिया आप कर रहे हैं उसके लिए गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और उस पर जो उस विभाग के जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो संगीत हो, भाषण हो, डांस प्रतियोगिता हो या ग्रुप डांस हो, उसमें जो स्पेशलिस्ट का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों का जो है ध्यान भटक सकता है, जो जिस कार्य के लिए जिस कार्यक्रम में, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो ग्रुप डांस हो, उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सकता। 6वां है रिकॉर्ड रखने का सिद्धांत, कोई भी बच्चे, चाहे जो निबंध प्रतियोगिता होती है, भाषण प्रतियोगिता होती है, चित्रकला प्रतियोगिता होती है, वो लास्ट ईयर के रिकॉर्ड रखने का सिद्धांत हमेशा रहना चाहिए कि लास्ट ईयर में बच्चे ऐसे ऐसे परफॉर्म किए थे, ये इसके विषय थे, इस इतना इतना इनको जो है पुरस्कार मिला था, तो रिकॉर्ड रखने का सिद्धांत भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में होना चाहिए। और 7वां है उचित प्रचार का सिद्धांत, जब आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ को
जो है सिलेबस के अलावा करते हो, तो उसका जब तक आप प्रचार प्रसार नहीं करोगे तब तक बच्चे उसमें सहभाग नहीं लेंगे। तो ये 7 पॉइंट है दोस्तों, इसे अच्छे से डेवलप करके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख करके इसे अच्छी तरीके से इसका आंसर लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक व्यवस्थापन की आवश्यकता, नीड ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये तो आपका जो है टॉपिक है 100 मार्क्स का, उसका ही क्वेश्चन आ गया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, एजुकेशनल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। इसमें 8 पॉइंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है शिक्षा प्रक्रिया का संचालन, पूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया, चाहे वो संस्था में हो, क्लास में हो, ये जो ज्ञान देने की प्रक्रिया है, शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं, छात्र ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का संचालन जो है शैक्षणिक व्यवस्थापन बताता है, इसलिए इसकी ये आवश्यकता है। दूसरा है शिक्षा के अंगों में समन्वय, शिक्षा के जो अंग होते हैं, शिक्षा जो है संस्था जिससे चलती है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो स्टाफ हो, नॉन स्टाफ हो, जो उसमें शिक्षक गण हो, जो पढ़ाई और ऑफिस के वर्कर्स हो, इन इनके जो समन्वय से ये पूरी पूरा शैक्षणिक व्यवस्थापन चलता है, इसलिए उन अंगों का एक दूसरे से समन्वय होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है शिक्षा को समाज के लिए उपयोगी बनाना, आप जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं समाज में उसका क्या उपयोग है उसे बच्चों को बताना चाहिए, और उस ज्ञान को ग्रहण करके बच्चे का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो सकता है, इसलिए शैक्षणिक व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। चौथा है राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति, किसी भी देश का जो नागरिक है, जो बच्चा है, जो छात्र है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए होना चाहिए, उसके अंदर देशभक्ति की भावना तो होनी ही चाहिए, तभी उसके चरित्र का निर्माण होगा। अगला पॉइंट वही बताया गया है कि चरित्र के निर्माण में सहायक, जब आपके अंदर समाज के लिए कुछ करने की भावना होगी, देश के लिए कुछ करने की भावना होगी, तभी आपका जो ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हैं उसका सही मायने में उपयोग होगा और आपके चरित्र का निर्माण होगा, आपका सर्वांगीण विकास होगा, इसके लिए भी शैक्षणिक व्यवस्थापन की आवश्यकता पड़ती है। छठवां है शैक्षिक तत्वों में संतुलन, संतुलन जो शिक्षा के तत्व हैं उनमें आपसी संतुलन होना बहुत जरूरी है। जिस चीज से आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं उसमें संतुलन होना चाहिए। सातवां है मानवीय व्यक्तित्व का विकास, आप जब शिक्षक ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं और छात्र ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, उसमें उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। जब तक उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा समाज का विकास नहीं हो सकता। और आठवां है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास, उसे पक्षपाती दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, किसी भी शिक्षक को एक तरफा जो है निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य होता है। इन सब चीज़ों के लिए शैक्षणिक व्यवस्थापन एक मील का पत्थर साबित होता है, इसलिए इसकी संस्था में बहुत ज़रूरत होती है। और बीएड के किसी भी सिलेबस में एजुकेशनल मैनेजमेंट इसलिए अनिवार्य रूप से रखा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिन्हें इसकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।